मेरा ये ब्रांडेड, मेरा वो ब्रांडेड। हेलो, हेलो सुमित्रा। हाँ बोलो ना शर्मिला जी। निको मिल बदिया और विजय से? नहीं ना, उन दोनों को मैं नहीं मिलवा पाई। क्या सुमित्रा, तुम इतना सा काम नहीं कर सकती? ससुर माँ ने मुझे यहाँ खींच के लाया, तुमको दिखना चाहिए था ना जी निको से। कैसे मिलाओ, वो अभिजीत सोसाइटी में तो होना चाहिए। क्या? नहीं है वो सोसाइटी में। कहाँ गए? कोलकाता गए वापस वो। अगो भाई, कोलकाता चला गया फिर से? आने वाला है फिर से दो दिनों में। हाश, जहाँ तक मुझे खबर लगी है वो अपनी माँ को लाने गया है। अगो भाई, उसकी माँ आ रही है क्या? हाँ, उसकी माँ को शायद उसकी बहुत याद आ रही थी, तो वो अपनी माँ को अब यही लेके आ रहा है। देख रही हो कैसा पॉइंट टू पॉइंट सब कुछ मिल रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्या कहना चाहती हो तुम। अब वो आ ही रही है तो हम जेनी को भी उनसे मिलवाएंगे, और क्या पता फिर लड़की देखने का प्रोग्राम यहीं पे हो जाए। मान गई मैं शर्मिला, क्या दिमाग चलता है तुम्हारा, कितनी आगे की सोचती हो। बस एक बार वो अपनी माँ को लेके आए, फिर आगे का हम देखते हैं क्या करना है। हाँ, एक बार उसकी माँ आ जाए ना, फिर हम कुछ भी करके दोनों का रिश्ता फाइनल कर देंगे। हाँ, डॉन आ गई। डॉन, क्या चल रहा है? कुछ नहीं, जुगनू बनी जोगन सीरियल है ना। ओहो, जुगनू बनी जोगन। उसमें जुगनू और जोगन का प्यार का रिश्ता शुरू होने वाला है। उस सीरियल में तीन औरतें हैं, तीनों दोस्त, इतनी अच्छी दोस्त है ना वो तीनों, और वो तीनों जुगनू और जोगन को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी महान औरतें हैं वो तीन। हाँ देखिए ना, उन तीनों का कितना प्यार है दोनों पे। बस अभी उनका प्लान सक्सेसफुल होने वाला है, वही देख रही हूँ मैं, जुगनू बनी जोगन। कहीं ये जोगन जेनी तो नहीं? क्या सासू माँ, कुछ भी बोलती हो आप, इसमें जेनी कहाँ से आ गई बीच में? कुछ भी क्या कुछ भी, ये देख मैं तेरी सब चालें समझती हूँ, तू क्या क्या खेल रही है ना, सब पता है मुझे। सासू माँ जरा चुप बैठी है, मेरा अभी इम्पोर्टेंट सीन है। तेरी इम्पोर्टेंट सीन गई तेल लेने, अभी मेरी जो बात है वो इम्पोर्टेंट है ढेबरी। सासू माँ ये क्या दादागिरी है? दादागिरी? तूने मेरी दादागिरी अभी तक देखी कहाँ है? अगर मैं बोलने के लिए लग जाऊँ ना तो ऐसा कुछ बोलूंगी ना, आपको बहुत बुरा लगेगा फिर। तुझे क्या लगता है, तू अपनी ये छुछुंदरियों के साथ जो मिलके कर रही है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। अभी जो तुम तीनों को गुस्से पड़े वो कम है? या फिर सब बंदोबस्त करके रखूं मैं एक दिन, फिर जम के धुलाई होगी सबकी। ये देख, ये जो तू अपनी बालों के साथ कोमोली का खेल रही है ना, बंद कर देने का। क्या बुरा कर रही हूँ मैं, दो प्यार करने वाली को मिला रही हूँ, इसमें बुराई क्या है? अरे काय का प्यार, तेरा तो हल्दी से पहले शादी का प्रोग्राम है, तुझको पता भी है उन दोनों के बीच में असल में है क्या? मुझे तो कुछ दिखा नहीं उन दोनों के बीच, तुम्हें पता नहीं कहाँ से कुछ कुछ दिख रहा है। मैं उन दोनों की आंखों में जो देख रही हूँ ना, वो अलग लेवल की क्रिशमिस किस केमिस्ट्री है। क्या फिर से बोल? केमिस्ट्री। हसी है। आपको बड़ी अच्छी इंग्लिश आती है। इट्स नॉट केमिस्ट्री, इट्स केमिस्ट्री। ये देख, मैं तुझे आखिरी वार्निंग दे रही हूँ, ये जो कर रही है ना तू बंद कर दे। देखिए बड़ी साफ और सीधी बात है, बाण तीर से निकल गया है। तो मुझे भी तुझे इस घर से निकलने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ससुर जी बोली, ससुर जी आने दे ससुर जी, मैं भी देखती हूँ इस बार वो कैसे मेरी साइड नहीं लेते। क्या हुआ सुन भाई? ससुर माँ मुझे धमकी दे रही है कि वो मुझे घर से बाहर निकल देंगे। ललिता क्या है ये? सबसे पहले तू अपना ये ड्रामा बंद कर, इतना ही शौक है ना सीरियल में काम करने का, तो जाके गोपी बहू बन, मेरे सामने मत करिए। नौटंकी बात एक नंबर की, आंखों से पानी भी नहीं आ रहा। देखिए मैं आपको सब विस्तार से बता देती हूँ आपकी बहू क्या कारनामे कर रही है। ये और इसकी छुछुंदरियों की टोली मिलके जेनी और अभिजीत के बीच कुछ करना चाहते हैं। क्या समझिए ना, कुछ कुछ करना चाहते हैं। कुछ कुछ क्या? अरे दोनों के बीच प्यार करना चाहते हैं। हाँ हाँ, बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग कर रही है, कुछ भी करके उन दोनों की शादी हो जाए। आप ही मुझे बताइए, ऐसे किसी की पर्सनल जिंदगी में इंटरफेयर करने की क्या जरूरत है? सुन भाई ये क्या है,
ससुर जी ऐसी बात नहीं है, अभिजीत और जिन के बीच जो भी है ना, वो हम तीनों सब सब देख सकते हैं अपनी आंखों से, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि वो दोनों हो जाए उनकी शादी। अच्छा है, उन दोनों के बीच सच में कुछ चल रहा है? कुछ नहीं है दोनों के बीच में। अरे कहा वो फौरन की बाबी डॉल और कहा ये मिस ब्यूटीफुल का बॉडीगार्ड, घूमता रहता है बस ऐसा आगे पीछे आगे पीछे। ये देखिए, मुझे बिल्कुल ये अच्छा नहीं लगता कि आपकी बहू ऐसा कुछ भी कर रही है किसी के बीच। वो क्या है, वो दोनों खुल के ऐसी बात सामने रखते, बहुत शर्माते हैं बात करने से भी। तो हम तीनों ने सोचा क्यों ना हम उनकी थोड़ी मदद कर दे, इसलिए नजदीकियां जरा ला रहे बीच में। सुन भाई, जब तक हमें पूरी बात पता नहीं होती ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। वो दोनों की पर्सनल लाइफ है, उनके ऊपर छोड़ दो। जैसे जीने वो जिएंगे, जो करना है वो करेंगे, तुम उनके बीच में मत पड़ो। और नहीं तो क्या, उनको जब करना होगा तब करेंगे, अगर कुछ होगा तो बताएंगे। मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा, इनको ही पता नहीं कहाँ कहाँ से दिख रहा है। ससुर जी पर अच्छा ही काम है ना, हम बचाते हो उन दोनों के बीच और प्यार बढ़े। सुन भाई, ये गलत है, ऐसा हम किसी की जिंदगी में जान बूझ कर कुछ भी नहीं कर सकते। ससुर जी, सुन भाई, ये आज के आज बंद कर दो। सॉरी, मैं ये प्लान अभी बंद कर देती हूँ। छोटी बच्ची हो क्या? लगता है आप भी देखने लगे हो मौज के वीडियोस। मैं जा रहा हूँ सोने। गुड नाइट, मैं भी आ रही हूँ थोड़ी देर में, माय हस्बैंड। मेरा मुंह के देख रही है, चल अपनी छुछुंदरी को फोन घुमा घुमा अभी और बता सब कैंसिल। हेलो, मिशन जेनी बनी जोगन। ये जो कुछ भी हम कर रहे जेनी अभिजीत के बीच बंद कर देते। क्यों? ये देखो, बात ससुर जी तक पहुंच चुकी है। उनको कैसे पता चला? ससुर माँ ने बता दिया है और ससुर जी ने सख्त मना किया है कि हम किसी की पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी ना करें। शर्मिला, हमने कितनी मेहनत से प्लान किया था, अब क्या करेंगे आगे? देखो, हम तीनों तो ये बात जानते पर बाकी लोगों को विश्वास ही नहीं है, तो हम क्या कर सकते? जाने दो, देखते दोनों की जिंदगी में जो है वो होगा। आखिरकार मैंने जीत ली ये लड़ाई। हाँ, तू कितने भी कोशिश कर ले मुझसे कभी जीत नहीं पाएगी। हाँ, मेरा स्वैग ही ऐसा है।